आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मजेदार। हाँ जी, क्योंकि मैं जो है शहर गया था, शहर से जो है मैंने काफी सारे आम खरीदे हैं। हाँ जी। और चिकन भी ले आए शेना बहुत सारा जी। चलो फिर उसको जो है बनाओ। हाँ जी, चल के बनाते हैं और सब बहन भाइयों के साथ भी शेयर करेंगे जी। चलो माशाल्लाह सब सामान जी आ गया है। हाँ जी माशाल्लाह सब सामान आ गया है। हाँ जी, जल गई आग माशाल्लाह से। हाँ माशाल्लाह आग भी जल गई और घी भी गर्म हो गया। माशाल्लाह। अब चिकन ऐड किया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अल्लाह फजल करम से आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। महाराज पाता फरमाए जो बेराद से नेक सरी औलाद दे। शुरू करते हैं शाम का व्लॉग, रहना हमारे साथ साथ। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। जो है पूरा वाश करें उसकी बिल्कुल नहीं करना। जो भाई भाई हमारे चैनल पर न्यू आ चुके हैं, हमारे चैनल कल सब्सक्राइब तक हमारी आने वाली न्यू वीडियोज है अब तक बहुत बहुत आसानी से पहुँच चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर वाले भी सब ठीक हैं। और आप सब बहन भाइयों की दुआ है, जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद दे। शुरू करते हैं माशाल्लाह से शाम का व्लॉग, रहना आपने हमारे साथ साथ। आज की वीडियो जो है होने वाली है बहुत ही मजेदार। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो बहन भाई हमारे चैनल पर न्यू आ चुके हैं, जल्दी जल्दी से कर दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को जो कर दे प्रेस, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोज है आप तक बहुत बहुत आसानी से पहुंच सके। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मजेदार। हाँ जी, क्योंकि मैं जो है शहर गया था, शहर से जो है मैंने काफी सारे आम खरीदे हैं। हाँ जी। और चिकन भी ले आए शेना बहुत सारा जी। चलो फिर उसको जो है बनाओ। हाँ जी, चल के बनाते हैं और सब बहन भाइयों के साथ भी शेयर करेंगे जी। चलो माशाल्लाह सब सामान जी आ गया है। हाँ जी माशाल्लाह सब सामान आ गया है। बस आग जलाई जा रही है, आग नहीं जल रही। आग नहीं जल रही, गर्मी की वजह से कैसे जलेगी जी। तो आज जो गर्मी बहुत ज्यादा अरूज पर है। हाँ, तो बहुत तेज गर्मी हो गई है दोपहर से। हाँ जी, पसीना जो है थोड़ी हवा चली हुई थी ना, अभी बहुत गर्मी। हाँ जो वही सुबह जो हवा चली, अभी हवा बंद हो गई है। सब लोग नहा रहे हैं अभी। हाँ, सब बच्चे बड़े। लकड़ियाँ ले आए हो? लकड़ियाँ ये देखें जी, लकड़ियाँ जो है शेना ले आई है, क्योंकि चिकन जो है ना लकड़ियों के ऊपर बनता है, बहुत ज्यादा लकड़ी के ऊपर। अगर लकड़ियाँ कम हो तो फिर नहीं बनाया जाता जी। फिर आग जो है खत्म हो जाती है, फिर मजा भी नहीं आता। पसीना नहीं रुक रहा आपका? गर्मी है ना बहुत तेज़। मेरे चेहरे से भी पसीना। लाइट नहीं है ना, लाइट चली गई। लाइट भी नहीं है। बस एक दफा आग जल जाए फिर बुझती नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा चलो, जल तो जाएगी ना। हाँ जल रही है, ऐसा ऐसा हल्की हल्की जल रही है। पहले तो आखिर थोड़ी सी मुश्किल तो होती है। हाँ, तो जो बड़ी लग रही है ना। हाँ जी, चिकन को ढांक दिया? हाँ, ढांक दिया, क्योंकि मक्खियाँ वगैरह ना बैठे ना ऊपर। बुशरा और महरीन खेल रही हैं उधर। हाँ, उसको भी अभी अभी नहलाया है। अभी अभी नहलाया है? हाँ, बहुत गर्मी है ना। बुशरा तो सारा दिन नहाते रहते हैं। हाँ, अब तो आग उसने पकड़ तो लिया हल्की फुल्की सी। हाँ, मसला जम गया। हाँ बस अभी देर होते हैं। माशाल्लाह, इस गर्मी में खाना बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ मुश्किल है, फिर खाएंगे क्या? हाँ, पसीना भी नहीं सूख रहा, बच्चे क्या खाएंगे? लाइट होती ना तो फिर भी अच्छा होता। मेरे मुकम्मल कपड़े जो है ना गीले हो गए पसीने की वजह से, ऐसे लग रहा है कि अभी अभी मैं नहा कर आया हूँ। हाँ, नहीं जल रही आग? नहीं जल रही है। जल रही है?
हाँ जी जल गई आग माशाल्लाह से। हाँ माशाल्लाह आग भी जल गई और घी भी गर्म हो गया। मैंने चिकन जो इसके अंदर ऐड कर दिया है, पहले इसको छीना अच्छे तरीके से फ्राई कर लो। हाँ, मसाले ऐड करेंगे बाद में। मसाले ऐड करोगे आज? कुछ अलग तरीके से बना रहे हो लगता है, स्पेशल रेसिपी ऐसे। वैसे आप टमाटर मसाला पहले ब्राउन करके फिर आप चिकन ऐड करते थे ना? जी। आज सबसे पहले चिकन को ऐड किया घी में, पहले ये फ्राई होगा अच्छे से, उसके बाद फिर मसाले ऐड करोगे। इससे जो है फिर मुर्गी का जो कच्चा जायका होता है वो ख़त्म हो जाएगा। देखती फिट नहीं बैठ रही? हाँ अच्छा, अब देखो ना इसका कलर चेंज हो रहा है घी में, बुनाई हो रही है। जब ये सुर्ख लाल हो जाएगी ना फिर मसाले ऐड करना, फिर साथ साथ उसकी भी भुनाई हो जाएगी। अम्मी जान भी आ गई है जी लहसुन लेकर। छील लिया लहसुन अम्मी? चले जी, नहाए हो? गर्मी बहुत ज्यादा है ना, गर्मी की वजह से तो फिर बैठा भी नहीं जाता। हाँ आपका दुपट्टा गीला हो गया है। और इधर जी आटा आ गया है, भाभी जान लेके आ गए, अभी इसको गूंथते हैं। पानी भी आ गया आटे के साथ साथ। देख लिया शेना पूरा हो जाएगा? हाँ बहुत है। क्योंकि आप जो ना घर के मेन बंदे हो, भाभी जान आपको दिखाने के लिए लेकर आई हैं कि ये इतना काफी है। हाँ बहुत है। ये लकड़ियाँ कहाँ से लेकर आए हो? अच्छा, क्योंकि अपने पास नहीं थी ना। चलो ये आपने अच्छा किया। आलू के अंदर पानी ऐड कर दिया? चलो ये देखिए इसका कलर जो बिल्कुल अब चेंज हो गया है। टमाटर इसके अंदर ऐड हो गए हैं, प्याज भी ऐड हो गए हैं। महरीन बुशरा को तंग ना करो। चम्मच नहीं है? हाथ से अंदाजा किया हुआ है जी। जब आग आपकी ये जल जाती है फिर जो है ना खाना जल्दी बनता है। लाल मिर्च भी ऐड हो गई है। आग की तरह आपको दिखा दूं, अब लकड़ियां जल गई है ना, अब टेंशन नहीं है। पहले पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बनती है लकड़ियां जलाने में, ऐसे ना अम्मी? आलू बाद में ऐड करोगे? हाँ थोड़े से भुनाई हो दे, हो जाए। अच्छा जल्दी जल जाते हैं ना इसलिए। चलो ठीक है आपको पता। ओ माशाल्लाह लहसुन की कुटाई हो रही है। हाँ जी। ये दस्ता आपने खूब बनाया हुआ है, मजे वाला। छोटा सा एक तो होता है ना बहुत बड़ा, उसको पकड़ने में और ये जो है ना मसाला बनाने में अम्मी कितनी प्रॉब्लम बनती है। आगे हो मेहरीन? गर्मी है, इससे जल्दी हो जाता है काम। हाँ, इससे जल्दी पेस जाता है। ये देखें जी, तुझे बिल्कुल छोटा है ना। ज्यादा वो होता है तो वैसे तो हमारी उखली है, मुंडी है। हाँ वो तो रखी हुई हमने। हाँ। इस
इससे जल्दी पीस पिसाई हो जाता है इसलिए। अच्छा रोटी आज कहाँ बनाओगे? भट्टी पे बनानी है। हाँ। मैंने सोचा शायद हम तंदूर पे बनाएंगे। अच्छा बनाते हैं। हाँ ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, तंदूर वाली रोटी तो मजे की बनती है, लेकिन अब ना वो लकड़ियाँ ना होने की वजह से मजबूरी है। हाँ आज तो हवा बिल्कुल ही बंद हो गया, पत्ता भी नहीं हिल रहा है। ये देखो ना, इस टाइम को नहीं तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चलती थी। क्या चाहिए बेटा? नमक? नमक दो, लहसुन अब बिल्कुल बारीक हो गया है ना। और इधर देखेंगे सालन को, मसाले भी अब इसके अंदर जो है ब्राउन हो गए हैं, जो आपने टमाटर प्याज ऐड किए हैं। और इधर मेरे प्यारे जुबैर भाई भी आ गए हैं। सुनाओ कैसी आपकी तबीयत? गर्मी का हाल सुनाओ कोई। बहुत गर्मी है। अभी नहा कर आए हो? अभी आवाज़ सुन रहे हो, ट्यूबवेल की आवाज़ आ रही है, ट्यूबवेल चल रहा है। कपास को पानी लगाया जा रहा है। हाँ जी, हाँ ये तो है, गर्मी की वजह से पानी बहुत जल्दी लगता है। लाइट भी आ गई है ना, पंखा वगैरह भी, आप बैठो जाओ पंखे पर, इधर गर्मी ज्यादा है। और शहीना आप ये जो है ना हिम्मत फैन ले लो फिलहाल, आपको मैं वो आग बुझ जाएगी ना, ना इससे आग ना बुझेगी, इससे जो है आपको गर्मी नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, खाना भी बन जाएगा और गर्मी से भी बच जाओगे। हाँ नहीं नहीं आप बैठो पंखे पर, इधर गर्मी वाकई में ज्यादा है, पसीना आपको बहुत सारा आ गया है, ये देखो चेहरे से टपक रहा है पसीना, मियाँ आपके चेहरे से भी पसीना टपक रहा है, ये देखो ना इतना पसीना आ गया आपको। आज गर्मी अरूज पर है। हाँ जाओ भाभी आप जो, हाँ तवा वगैरह भी धो लो और उसके बाद खोरी भी ले आओ, सब सामान रखो इधर, रोटी भी बना लो टाइम से। फिर इसको इधर रख देना ना, सालन में बनता रहेगा साथ साथ, और रोटी भी बना लोगे आप। नहीं तो टूवेल चल रहा है, अभी नहाया लेकिन फिर पसीना आ गया, लेकिन नहाने का भी कोई फायदा नहीं है। लाइट आ गई ना, मैंने कहा बहुत अल्लाह का करम है। नहीं तो आज हाँ चार पाई निकालते हैं। अच्छा चले जी, तवा जो है फ्रेश हो गया, आ गया है ऐसे। और इधर क्या पका रहे हो? आज जो है आपकी दावत का प्रोग्राम किया है भाईजान मैंने, आज जो है चिकन की रेसिपी बनाई जा रही है, और वो भी बहुत ही स्पेशल रेसिपी। अच्छा आपकी भाभी जान के हाथ की जी, माशाल्लाह खाएंगे फिर तो। हाँ और आपके कपड़े ये देखें, पसीने की वजह से सारे गीले हो गए, और वैसे तो नीले हैं लेकिन पसीने की वजह से गीले हैं। महरीन बार बार इधर आ जाते हो गर्मी में, आपका हमारे बगैर दिल नहीं लगता? लगता है तो फिर असल में बच्चों को जो है भूख लगी हुई है। अच्छा बच्चों आपको पता है आज जो है मैं आपके लिए फ्रूट भी लेकर आया हूँ। हाँ आम खाओगे जुबैर भाई आप भी? चले जी आपके लिए तो मैं लेकर आया हूँ बच्चों, सबको खिलाऊंगा आम, ऐसे चाहिए ना। मैं बोल रहे हैं जब तक खाना बनता है फ्रूट दे दो बच्चों। हाँ ऐसे कर लो, फ्रूट काट के दे दो बच्चों को, फिर खाना भी बन जाएगा, खाना फिर सबको खिला देंगे। खाने को तो वैसे भी अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ना। माशाल्लाह से सब लोग जो आ गए हैं। ओ माशाल्लाह आ गए हो, वाह जी वाह, दादी जान भी आ गई है माशाल्लाह से,
यही ना वो फ्रूट ले आयो? हाँ जी आम ले आए। चलो सबसे पहले जो ऐसे को जो है धो लो। धो लेते हैं फिर देते हैं। हाँ फ्रेश करके इसको ले आओ। हाँ चलो। हाँ जी धोआयो? हाँ नहीं मसला धोया है। चले जी अब ये बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं जी। अच्छे तरीके से जो इसको धो लिया है। ओ माशाल्लाह ये लो महरीन। ये आ गया जी। चलो ये आपने अच्छा किया क्योंकि रोटी को तो वैसे भी थोड़ी सी देर है। चलो ये बच्चे खा लेंगे जी। तो बच्चे भी टाइम से खा लेंगे। अब रखे रहते तो फिर बाद में खाना खा लेते हैं फिर इनसे खाए भी नहीं जाते। चले जी जो बहन भैया हमारे साथ फ्रूट खाना चाहते हैं वो भी आके खा सकते हैं जल्दी जल्दी से। चलो बच्चों पढ़ो बिस्मिल्लाह। चलें जी अब आलू ऐड किए जा रहे हैं इधर। अच्छा माशाल्लाह ये देखो ना फुल ब्राउन हो गई है। अब आलू ऐड करते हैं इसको थोड़ी सी बनाई देंगे उसके बाद शोरबा। अच्छा अब बच्चे बच्चे माशाल्लाह से आज बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं क्योंकि आम वगैरह उनको दे दिए हैं। अब वो कुछ उनका पेट भर जाएगा फिर सालन बनने वाली है बस थोड़ी सी देर है। हाँ और रोटी जो है इधर भाभी जान ये देखे बना रही है तवे पर। हाँ मैंने कहा जब तक सालन बनता है तो रोटी बना। हाँ ये अच्छा किया सालन भी बन जाएगा और रोटी भी बन जाएगी। हाँ कुछ ना कुछ रोटियाँ रह जाएंगी तो आप हेल्प कर देना बन जाएंगे साथ में। हाँ अभी इसकी भुनाई करके बाद में शोरबा ऐड करोगे? हाँ शोरबा भी कुछ ना कुछ कम हो जाएगा उसके बाद जो है ये आलू भी हमारे नरम हो जाएंगे। शोरबा ऐड करके फिर आप इधर आ जाना ना भाभी के साथ रोटी बनवाने। हाँ जी खा लिए? कैसे थे? मीठे थे? हाँ और बुशरा तो अभी तक खा रही है ये देखो ना। आदिल आपने खा लिया? हाँ। कैसा था? मीठा था। मीठा था? आपने भी अपना खा लिया? चले जी माशाल्लाह। और रोटियां जी काफ़ी सारी बन चुकी हैं माशाल्लाह से ये देखें। भाभी जान भी हिम्मत कर रही हैं साथ साथ रोटियां बना रही हैं। चलो कुछ ना कुछ आज ना भाभी जान के हाथ की मैं रोटी खाऊंगा बहुत ही मज़े की बनाती हैं। हाँ ये देखे ना। नहीं अब नहीं अब पहले से काफ़ी अच्छी रोटी बनाती है भाभी जान। ओ माशाल्लाह खाना तैयार हो गया? हाँ जी माशाल्लाह तैयार है। चले जी सबको दे दिया माशाल्लाह। सबको दे दिया? हाँ जी। हाँ जी आपका खाना आ गया? चले जी माशाल्लाह खाना जो है सबका आ गया है। और जो बहन भाई हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं वो भी जल्दी जल्दी से आके खा सकते हैं। चलो बच्चों पढ़ो बिस्मिल्लाह।